हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। देखो, आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने आप लोगों को बोला था कि पोलार फॉर्म उसका हम डिस्कशन करेंगे। पोलार फॉर्म क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पोलार फॉर्म से पहले आप लोगों को आयोटा के बारे में कॉम्प्लेक्स नंबर का समझा दें। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें हमें जो हम कम्युनिटी के लिए पढ़ रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, उसका आपको एक लॉजिक बता दूं। सबसे पहले आयोटा का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, आई मींस रूट ऑफ माइनस वन। जैसे आई स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर स्क्वायर करने से माइनस वन, आई क्यूब करने से माइनस आई, आई फोर करने से ये आपका पॉजिटिव हो जाता है, आई फोर मीन्स वन। जैसे ही इसको रियल नंबर में लाना है तो वन करना है। ये मेजरी नंबर है, आई स्क्वायर से भी रियल नंबर आ जाता है। तो ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था, एक बार रिवीजन करा के मैं आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे आपको बोला है 4 + √7, तो हम इसको 4 + √7 आयोटा लिख सकते हैं। तो ये आपका इमेजरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। रियल पार्ट इसको कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट इसका है 4, इमेजरी पार्ट है इसका √7, ठीक है। अब जैसे दो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आपके पास दिया है i raised to 15, इसका वैल्यू कितना आएगा i raised to 15 का? धरिया, i raised to 15 का वैल्यू याद है? धरिया कैसे निकाला i raised to 15? ये भूल गए हो सर, डिवाइडेड बाय 4 या 2। तो 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड किया तो इसको डिवाइड करने के 4, तो रिमाइंडर 3 बचा, क्योंकि 4 करने से वो 1 हो जाता है। तो इसमें क्या आ गया, 12 + 3 बचा। 12 करने से ये i12 into i3, 12 से ये 1 हो जाएगा और i raised to 3, और i raised to 3 का मैंने बताया, i का मतलब है √-1, i square का मतलब -1, i cube का मतलब -i, i4 का मतलब है 1। तो ये 1 हो गया क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है, और ये आपका आई क्यूब जो कि -i, ये आपका आ गया इसका वैल्यू। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे 4 + 7i, तो इसका रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड इज 4, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 7। एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर दे 3 + 7i, Z1, Z2 दिया है 2 - 6i, आपको बोला Z1 + Z2 फाइंड करो। तो रियल को रियल के साथ ऐड किया, 3 + 2 5, 7 - 6 1i, तो इसका ये आंसर आ गया, ठीक है।
इसी में अगर आपको बोला इसका कॉन्जुगेट निकालना है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जैसे आपका जेड वन दिया है 3+7 है, मेरे को जेड वन का कॉन्जुगेट चाहिए तो बीच का साइन बदल देना 3-7 है, ठीक है। और अगर इसका मॉड्यूलस चाहिए तो मॉड्यूलस के लिए अंडर रूट क्या करते हैं, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, रूट ऑफ 58 इसका मॉड्यूलस आ गया, ठीक है। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने पढ़ा था। जैसे अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड वन आपको दिए 2+i, जेड टू दिए 1+i, और जेड वन इंटू जेड टू करना है तो इसका मतलब 2+i को मल्टीप्लाई करना है 1+i से। पहले 2 into i, 2i, i को 1 से क्या i को i से क्या i square, 2+2i+i, i square का वैल्यू भी मैंने बताया -1 होता है। तो ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट है, 2-1 क्या 1, ये दोनों इमेजिनरी, 2+1 3i, तो इसका जो प्रोडक्ट आया जेड वन और जेड टू का 1+3i आ गया, ठीक है। ये हो गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना है। इसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए 2+i/1+i, ऊपर नीचे 1-i से, मतलब इसका जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट मतलब बीच का साइन, आयोटा का साइन बदलना इमेजिनरी पार्ट का, तो प्लस आई तो माइनस आई, रियल पार्ट का साइन नहीं बदलना है। तो हमने इसको किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 2 -2i 1i, i को i से क्या i स्क्वायर, और नीचे आ गया 1 स्क्वायर a² - b² i² 2 -2i+1i -i, i स्क्वायर का मतलब होता है -1, 1 i² का मतलब -1, 2-i+1/1 2, 2+1 3, 3-i/2, 3/2 -1/2i, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन हो गया। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला पोलार फॉर्म क्या है। पोलार फॉर्म का मतलब होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसको r cos थीटा प्लस i sin थीटा में बदलना, ये है इसका पोलार फॉर्म। पोलार फॉर्म का मतलब होता है कि किसी भी सर्कल में इसको बदलना, पोलार इसको कहते हैं पोलार फॉर्म। पोलार फॉर्म में हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे आपको दिया है, कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मैं आपको एक दे देता हूं, आपको दिया है 1+3i, इस पोलार फॉर्म को 1+√3i, इसको हमें पोलार फॉर्म में बदलना है। पोलार का मतलब है मॉडुलस और सेंट्रल एंगल, तो इसको मैं बता दूं पोलार फॉर्म क्या है। जैसे आपने ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, ये 1 है रियल पार्ट, 1 यहां आ गया, √3 कितना है 1 और 1.73 यहां आ गया, तो ये पॉइंट आ गया। अब यहां से इसको ओरिजिन से इसको ज्वाइन किया, सर्कल आपने ये बना दिया, ये आपका थीटा हो गया, ये आपका मॉडुलस हो गया, और इसके बाद जो ये एंगल बन रहा है अगर आप इसको करोगे तो मैंने आपको पहले बताया था ट्रिग्नोमेट्री में ये होता आर कॉस थीटा और दूसरा आर साइन थीटा, तो जो एक्स पॉइंट है वो आर कॉस थीटा और वाई पॉइंट है आर साइन थीटा, तो ये इसका पोलार फॉर्म है। अब पोलार फॉर्म के लिए सबसे पहले आर ढूंढना है, आर का मतलब होता है मॉडुलस, तो 1 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 √4 2 आ गया। और थीटा ढूंढने के लिए tan थीटा, आप सबसे पहले थीटा के लिए आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं, अगर आपका एंगल पॉजिटिव है प्लस आ रहा है तो थीटा, माइनस प्लस आ रहा है तो आपको लिखना है π - θ, और माइनस आ रहा है तो θ - π, और लास्ट आ रहा है प्लस माइनस उसमें माइनस थीटा, ऊपर प्लस थीटा 0 to 90 प्लस थीटा, यानी प्लस में थीटा और प्लस माइनस में माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा आएगा जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा माइनस पाई। अब क्वेश्चन है थीटा है क्या, थीटा कैसे ढूंढने, तो थीटा ढूंढने के लिए सबसे पहले tan थीटा था वाई और एक्स का रेशियो, सबसे पहले y ये रहा आपका
एक्स वन है, तो अपने वाई के लिए रूट थ्री और एक्स के लिए वन डाल दिया, रूट थ्री आया। अब टेन के टेबल में देखा टेन ऑफ विच एंगल इज रूट थ्री, तो टेन ऑफ सिक्सटी इज रूट थ्री, तो थीटा आपका आ गया 60 डिग्री। क्लियर? अब आपको पता है ये दोनों प्लस एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, तो फर्स्ट में आ रहा, तो सीधा थीटा प्लस 60 डिग्री। 60 डिग्री को डिग्री में बदलने के लिए पाई बाय 180 कर दिया, पाई बाय 3 रेडियंस आ गया। तो अब ये आपका थीटा हो गया और आर की जगह आपने कितना निकाला 2, तो आप इसी नंबर जेड इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आई को लिखेंगे आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर की जगह आपने लिखा 2 कॉस ऑफ पाई बाय 3 प्लस आई साइन ऑफ पाई बाय 3, ये आपका पोलार फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बच्चों पोलार फॉर्म समझ आया आप लोगों को? यस सर। एक एक दो और एग्जांपल बताओ जिससे एकदम क्लियर आइडिया हो गया। ठीक है कृष्ण, तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आया बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर की थोड़ा सा अलग लग रहा है? सर थोड़ा समझ आ रहा है। आप थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से इसको फॉलो करना, मैं आपको एक रिवीजन करा दूंगा क्योंकि ये चैप्टर मैं करा चुका हूँ तो शायद आपके लिए नया है ये, बाकियों ने जैसे मोहम्मद ने कर लिया है। मोहम्मद तुमने कर लिया ना कॉम्प्लेक्स नंबर? मोहम्मद आपने प्रैक्टिस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने दिया था आपको? हाँ हाँ सर, सर ये वाला चैप्टर से चालू हो गया था। ये एक नहीं चालू हो, लेकिन आपने प्रैक्टिस किया उससे मतलब नहीं है आपको। हाँ। और धरी आपको आपने किया बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर? यस सर। कि ये सब समझ आ रहा है जो फॉर्म? यस सर। चलो और मैं आपको थोड़ा पोलर फॉर्म को बता देता हूँ। आज देखते कितने टॉपिक होते हैं, पहले पोलार फॉर्म, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ये तीन कंसेप्ट हैं हमारे। सबसे पहले है पोलार फॉर्म, एक और ले लेते हैं। जेड आपको दिया है 1 + 1, 1 + i, ये दिया है, सॉरी 1 - i लिख देते हैं क्योंकि हमें क्वाड्रेंट में देखना है। सबसे पहले आता है आर, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आर कॉस थीटा आई साइन थीटा, ये पोलार फॉर्म। इस नंबर को इसमें तो x यहां पर 1 है, y आपका -1 है। सबसे पहले आपको r ढूंढना, r is under root x square plus y square, 1 square minus 1 square that is equal to root of 2, तो r आपका root 2 आ गया। अब tan theta y by x, आपको पता है ये कौन से क्वाड्रेंट पर, अगले क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं, प्लस माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, प्लस माइनस फोर्थ में आपका माइनस थीटा है थीटा, पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई, बस इसको उल्टा नेगेटिव से, तो फोर्थ में आ रहा है यानी जो भी एंगल आएगा उसका नेगेटिव डालना है। वाई कितना आपका 1, एक्स कितना है 1 एंड 1, टेन ऑफ विच एंगल इज 1 पाई बाय 4 45, टेन ऑफ विच एंगल इज 1 तो थीटा इज 45, 45 को रेडियंस में बदला तो पाई बाय 4 आ गया जो थीटा है, लेकिन फोर्थ में आने के कारण माइनस पाई बाय 4 लिखेंगे, जहां थीटा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो आप जहां थीटा लिखेंगे वहां माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4, आर के लिए रूट 2 डाल देंगे, तो जेड इज इक्वल टू रूट 2 कॉस माइनस पाई बाय 4 प्लस आई लिखना जरूरी है साइन माइनस पाई बाय 4, ये हो गया इसका पोलार फॉर्म। बेटा आप लोगों को आया समझ में पोलार फॉर्म? यस सर। एक क्वेश्चन दूं पोलर फॉर्म का, ट्राई मारोगे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना? हाँ सर। ठीक, यस सर। देखो ये क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको पोलर फॉर्म में आप कन्वर्ट करो। z इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 3 आई, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना।
बेटा आप लोगों को ब्लडिंग तो वो क्लियर दिख रहा है कि कुछ थोड़ा अलग पीछे दिख रहा है? हेलो नहीं सर, क्लियर दिख रहा है। क्लियर दिख रहा है। सर आंसर आ गया। आ गया दोनों मोहम्मद धरी आपका आया बेटा? सर एक करो करो, मैं फिर वेट कर रहा हूँ। सर आ गया। ओके कृष्णा तुम्हारा आया बेटा? कृष्णा आपका आया बेटा? नो सर। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें बता दूं कैसे करना। देखो यहाँ सबसे जिसका आंसर आ गया उसके आंसर चेक कर लेते हैं। इसमें दो चीज याद रखना, एक आर याद रखना, एक थीटा याद रखना। आर को क्या कहते हैं? मॉडुलस, और थीटा को कहते हैं एम्पलीट्यूड, यानी कितना वो रोटेट हो रहा है, रोटेशन। ये मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एक तरह का आप इसको कह सकते हो वेक्टर क्वांटिटी की तरह होता है। ये रोटेट कितना कर रहा है वो हमें देखना होता है। तो सबसे पहले हमने इसका निकाला आर। आर के लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स है आपका माइनस वन वन, रूट माइनस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, तो टू आ गया आपका आर। फिर आता है इसका थीटा। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हुआ पाई माइनस थीटा, नहीं थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई थर्ड क्वाड्रेंट का रोल है। अब आपको थीटा ढूंढना है। टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, वाई है रूट थ्री, माइनस लिखने की जरूरत नहीं, यहां सीधा टेन ऑफ विच एंगल इज रूट थ्री सिक्सटी, तो थीटा आपका आया पाई बाय थ्री, सिक्सटी का रेडियन फॉर्म है पाई बाय, तो थीटा की जगह पाई बाय थ्री माइनस पाई, एलसीएम थ्री पाई माइनस थ्री पाई, माइनस टू पाई बाय थ्री आपका थीटा आ गया। अब रेडियन इसका पोलर फॉर्म है जेड इज आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर के लिए आपने पुट कर दिया टू कॉस माइनस टू पाई बाय थ्री प्लस आई साइन माइनस टू पाई बाय थ्री, याद का ये आंसर मैच हो रहा है बच्चा बच्चों आप लोगों का? नहीं सर। कोई बात नहीं, गलती देख लो क्या है, मिस्टेक की है वो चेक करना। मैंने आपको क्वाड्रेंट्स बताए वो ध्यान रखना, पहले में थीटा पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरे में अगर आपका प्लस माइनस आ रहा है तो माइनस थीटा, अगर माइनस प्लस आ रहा है तो पाई माइनस थीटा, और प्लस माइनस माइनस आ रहा है तो थीटा माइनस पाई। आपके दोनों नेगेटिव है इसका मतलब थीटा माइनस पाई आए, सो थीटा आपको पहले ढूंढ के उसमें से पाई माइनस करना, तो वो आपका थीटा आ जाएगा। मोहम्मद आपका आया आंसर बेटा? नहीं सर, वो थीटा वाले में प्रॉब्लम हो गया था। अब समझ आ गया बेटा ये कैसे करना है? हाँ सर। ठीक है यस सर। अब मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालने वाला मैंने सिखाया, एक बार रिवाइज करा देता हूं। जैसे आप लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, आपको स्क्वायर रूट निकालना है थ्री प्लस फोर आई का स्क्वायर रूट, और ये आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑप्शन दिए कौन सा राइट है, तो आप इसका सीधा मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट मॉडुलस जो हमने आर निकाला प्लस रियल पार्ट डिवाइडेड बाय टू, फिर यहां आई लिखा प्लस आई, फिर से आपने ये लिखा मॉडुलस माइनस रियल पार्ट डिवाइडेड बाय, ये हो गया आपका स्क्वायर रूट निकालने का फॉर्मूला। सबसे पहले हमने निकाला मॉडुलस, तो मॉडुलस का फॉर्मूला आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थ्री स्क्वायर नाइन प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव फाइव आ गया। फिर आता रियल पार्ट, रियल पार्ट आपका थ्री है,
तो आपने लिखा अंडर रूट, यहां लिखा 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 आई, यहां 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस 8 बाय 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 प्लस आई, 2 बाय 2 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये आपका आंसर हो गया 2 प्लस आई या माइनस 2 माइनस आई, इसका ये स्क्वायर रूट हो गया। बच्चों ये समझ में आया आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालने का? सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखना, कोई भी आंसर निकाल लेंगे। यस सर। कृषा आपको आया बेटा स्क्वायर रूट निकालना? कृषा चली गई? नो सर वो निकल आ जाओ मैं दो मिनट। अच्छा कृषा है, चलो कोई नहीं। कृषा स्क्वायर रूट निकालेगा कि फिर से बताओ? देखो सर फिर से बता दो। देखो ये नंबर दिया है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अंडर रूट बनाना आगे प्लस माइनस, अंडर रूट बनाया यहाँ लिखा मॉडुलस z प्लस रियल अपॉन 2 प्लस आई, अगर यहाँ प्लस आई है तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ माइनस आई है तो यहाँ माइनस लिखना है, ठीक है। प्लस z प्लस रियल अपॉन 2 प्लस आई, फिर से यही लिखना, लेकिन प्लस के बीच में माइनस डाल देना, मॉडुलस z माइनस रियल अपॉन 2 पूरा स्क्वायर रूट। और इसको सॉल्व करते इसका स्क्वायर रूट सबसे ज्यादा मॉडुलस z कैसे निकालना, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, इसका रूट निकाला 5 आ गया। x और y, ये x और ये y, तो यहाँ आपने 5 लिखा, रियल पार्ट 3 है, ये इमेजिनरी पार्ट है 4, यहाँ लिखा 5 प्लस 3 अपॉन 2, 5 माइनस 3 अपॉन 2, आउटर का वही साइन प्लस माइनस, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों आपको? बस ये लिखकर आपने इसको सॉल्व किया, 8 बाय 2 4, 4 का रूट 2, 2 बाय 2 1, 1 का रूट 1, 1 आई, ये आ गया। तो पहला रूट है 2 प्लस आई और फिर माइनस, माइनस 2 माइनस आई, ये इसके दो स्क्वायर रूट निकलते। अब आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है इसका, 12 प्लस 5 आई, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। दूसरा स्क्वायर रूट निकालना 6 माइनस 8, ये दो स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है। कृष्णा आपको तो मैं फिर से समझाऊं, आपको रिपीट कर रहा हूं कृष्णा, ठीक है सर? हाँ सर, फिर से समझाऊं या ना दोबारा? नहीं सर आ तो गया समझ थोड़ा। देख देख के कर लो, कोई नहीं, अभी तो मैं आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, गलत भी करोगे चलेगा, कोई इशू नहीं। आप सिर्फ मेथड को देख देख कर ट्राई करो, क्योंकि जेईई एग्जाम में आपको शॉर्टकट्स मेथड्स बहुत चाहिए होंगे। पहले का आंसर निकल गया बच्चों आपका फर्स्ट का? हाँ सर। गुड, अब सेकंड का निकालो, फिर मैं आपका आंसर डायरेक्ट बता रहा हूं।
क्रिशन निकल रहा है बट आंसर नहीं निकल रहा है सर निकल रहे हैं गुड अरे आपका निकला पहले का आंसर हरी आपका पहले का आंसर निकला बेटा यस सर चलो अब डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट का आंसर देख लेते हैं क्या है देखो पहले तो उसका मॉडुलस निकाला आर 144 + 25 = 13 आ गया तो आपने जब स्क्वायर रूट निकाला प्लस माइनस अंडर रूट 13 प्लस रियल पार्ट है आपका 25 25 by 2 फिर प्लस साइन 13 - 12 1 by 2 प्लस 25 √5 √2 + 1 √2 आयोटा वाला ये बस इसको सॉल्व हो गए प्लस में माइनस का ये आ गया आपका पहला वाला आंसर बेटा देख लो 5 √2 यस सर ठीक है अब सेकंड वाला सर मैंने इसको रैशनलाइज करा है हां चलेगा रैशनलाइज भी अच्छा है ये यहीं छोड़ दिया मतलब 5 √2/2 आया होगा और √2/2 यस सर बताइए अब इसका आपने z निकाला तो z का आंसर आ रहा है 10 10 का 180 तो z 10 आ गया अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं प्लस स्क्वायर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 10 प्लस रियल पार्ट 6 / 2 प्लस माइनस आई 10 - 6/2 प्लस माइनस 16 / 2 16 / 2 8 8 का √2 √2 ये आ गया 4 4/2 √2 ये आपका आंसर है तो एक आया 2 √2 - √2 आई एक -2 √2 + √2 आई बेटा आप लोगों का ये आंसर आ रहा है सेकंड वाला देखो ये आ गया 4 4 को 2 से डिवाइड कर √2 बचा तो √2 का स्क्वायर √2 आता है ये मैच हो रहा है अपनों का आंसर देखो ये सेकंड वाला सर बीच में माइनस आएगा प्लस आएगा बीच में माइनस क्योंकि आयोटा आपका नेगेटिव है अगर ये नेगेटिव है तो बीच में माइनस आएगा अगर ये पॉजिटिव है तो बीच में प्लस आएगा बस इतना फर्क है बाकी सब सेम है कृषि आपका आंसर मैच हो बेटा कोई भी एक हाँ सर हुआ वेरी गुड मतलब एक कंसेप्ट हो गया है अब अगर आप टेक्सटबुक में करोगे तो ये है लेकिन जेई के एग्जाम के लिए है ये आपका जीपी जो एक स्कूल एग्जाम उसमें ये नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि उसमें डिलीट हो गया है कोर्स लेकिन जेई के एग्जाम में अभी डिलीट नहीं हुआ है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताना मोहम्मद आपको आ रहा है कि सो गए आप आ रहा है सर समझ मेरे को ऐसा लग रहा है ध्यान मतलब ध्यान नहीं है आपको देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है वो समझ लेते हैं जैसे आप 1 का स्क्वायर रूट निकाला अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी 1 नंबर का क्यूब रूट कैसे फाइंड करें तो 1 नंबर का क्यूब रूट फाइंड करने के लिए एक ओमेगा स्क्वायर क्या होता है वो बता देते हैं सपोज का क्यूब रूट आ रहा है z क्यूब रूट बनाने के क्यूबिक बोल सकते हैं z क्यूब इक्वल टू 1 z³ - 1 = 0 aq - bq का लास्ट में पढ़ा था फॉर्मूला a - b² + ab + b² ये इसका आ गया अब हमें जो z निकलेगा उसका 1 का क्यूब रूट होगा एक तो z - 1 को 0 के तो z का आंसर 1 आ रहा है तो क्यूब रूट ऑफ 1 तो 1 होता ही है पक्की बात है दूसरा ये रहा क्वाड्रेटिक उसमें आपको पता है -b + √2/2 ये फॉर्मूला पढ़ा था b का वैल्यू आ रहा है 1 - 1 + 3 b² + 1 - 4 a की जगह 1 c की जगह 1 अपॉन a की जगह 1 -1 + -√3 आ रहा है
तो उसको हम रूट थ्री आयोटा लिख सकते हैं अपॉन टू, क्योंकि माइनस थ्री का मतलब है रूट थ्री आयोटा। तो आपका आंसर है माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, या माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। ये आपका ओमेगा हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर, और वन आपका एक क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके तीन है, एक वन, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। यानी आपको कभी भी ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ही है, तीनों इसके क्यूब रूट हैं, वन के क्यूब रूट हैं। अब सबसे पहले हमें इसके बीच में रिलेशन समझना है। क्या रिलेशन है वो देख लेना, कि अगर तुम इन तीनों को कभी भी प्लस करोगे तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा। प्लस करोगे तो इन दोनों को प्लस करने से माइनस वन आता है और ये प्लस वन, तो ये पूरा आंसर जीरो देगा। लेकिन अगर इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो इसका आंसर ऑलवेज वन हो जाता है, यानी ओमेगा क्यूब इसका वन है। तो ओमेगा क्यूब का आंसर वन और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर जीरो। इससे फायदा क्या है कि कभी आपको ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दिया है तो वन इधर जगह माइनस वन लिख सकते हो डायरेक्टली, या वन प्लस ओमेगा दिया है तो उसके लिए माइनस ओमेगा स्क्वायर डाल सकते हो, या वन प्लस ओमेगा स्क्वायर दिया तो उसके लिए माइनस ओमेगा डाल सकते हो। तो ये इसके और ओमेगा क्यूब दिया तो वन, जैसे आपने यहाँ दिया है ओमेगा सेवन, इसका वैल्यू चाहिए तो आप इसको लिख सकते हो ओमेगा सिक्स इंटू ओमेगा। ओमेगा सिक्स थ्री का मल्टीपल है, थ्री का अगर मल्टीपल होगा तो वन, और उसका आंसर हमेशा वन ही आएगा क्योंकि ओमेगा क्यूब का ये स्क्वायर है। ओमेगा क्यूब का वैल्यू वन आ रहा है, वन का स्क्वायर करने से वन आ जाता है, तो इसका फाइनल आंसर आएगा ओमेगा। ओमेगा सेवन का आंसर ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू आपको पता ही है, ये या दो इसको भी ओमेगा बोल सकते हैं इसको भी। तो ये ओमेगा हो गया। सपोज आपको ओमेगा रेस टू 99 चाहिए, बता सकते हो इसका आंसर क्या है ओमेगा रेस टू 99? ये देखो कि इसको 3 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर बचेगा 3 से डिवाइड होगा 99 सर। 3 हां होगा सर, बच्चों समझ आ रहा है मैंने क्या बोल रहा हूँ? यस सर। जैसा आपको ऐसा बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 7 प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 8, इसका आंसर क्या है ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको तो इन तीनों का सम जीरो होता है, हमने पहले बताया हुआ 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को जब भी प्लस करोगे ऑलवेज जीरो आ जाएगा। तो यहां आपने 0:7 डाल दिया। अब यहां देखें 1 अलग रखा, माइनस कॉमन ले लिया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 0:7 जीरो हो गया, 1 माइनस। आपको तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, अभी मैंने इधर भी बताया हुआ माइनस 1, तो यहां आएगा ब्रैकेट में माइनस 1:8। तो 1 + 1:8 यानी 2:8 जो कि होता है तुम्हारा 256। ये 2:8 का वैल्यू है, यानी इस पूरे का आंसर 256 है। बिना इसकी वैल्यू डाले हुए आपको सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी से इसका आंसर निकालना है। ये आया आप लोगों को नहीं आया? आ गया सर। यस सर। ऋषा को नहीं आया? कृष्णा आया आपको बेटा? हाँ सर आया। थोड़ा सा है अभी इसकी के थोड़े से वर्कशीट भेजूंगा ना तो तुम लोगों को आ जाएगा। अभी इसको हम नेक्स्ट टाइम भी थोड़ा लेंगे अलग अलग क्वेश्चन। जैसा अभी मैंने ये लिखा ओमेगा रेस टू 17 या ओमेगा रेस टू प्लस ओमेगा रेस टू 24, इसका आंसर कितना आएगा? ओमेगा रेस टू 17 का बताया था कैसे करना है,
इसको पहले 3 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा वो इसका आंसर है। 3 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर 2 बचा, इसको 3 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1 बचा, इसको 3 से परफेक्टली डिवाइड हुआ तो 1 लिख देना है। और आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर 0 होता है, तो इस पूरे का आंसर 0 हो गया बिना पूरा सिंपलीफाई। ठीक है बच्चों, ये समझ आया आप लोगों को? यस सर, यस सर। तो अपने नेक्स्ट टाइम इसको करते हैं क्योंकि टाइम बेटा ओवर हो रहा है। तो इसमें क्या आज का क्या क्या करा पहले समझ लेना, और तुम कृष्णा बैठ के बेटा थोड़ा सा आज स्क्वायर रूट के ऊपर मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ, पोलार फॉर्म के ऊपर भेजूंगा, फिर ऐसे क्या पोलार फॉर्म, स्क्वायर रूट और एक क्यूब रूट। क्यूब रूट का मैं एक बार और प्रैक्टिस करा दूं, फिर उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट टाइम मैं भेजूंगा। चलो ठीक है, तो आज का इतना रखें, चलेगा कि और चाहिए कुछ? हेलो बेटा, आप हाँ सर चलेगा सर, बस थोड़ा थोड़ा रखेंगे जिससे कि अब के कंसेप्ट बहुत सारे हैं, लेकिन इतना सारा करेंगे तो कंफ्यूजन आ जाएगा, और कृष्णा का भी ये चैप्टर भी नहीं हुआ है इसलिए मैं ज्यादा खींच भी नहीं सकता। एक बार कृष्णा का ये चैप्टर हो जाए तो थोड़ा सा मैं ज्यादा होमवर्क भी दे सकता हूँ। चलो बाय बच्चों, सी यू, अपने मिलते हैं कल। कल कल है ना लेक्चर? सर सर आपने वो ग्रुप, नया ग्रुप कॉम्पिटिटिव की लिंक डाली है, उसमें ज्वाइन करना है हमें सर, कॉमर्स वालों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है आज कॉमर्स, ठीक है तुमको करना, तुमको नहीं करना, ठीक है बेटा। और सर ये क्लासेस कब कौन से दिन पे रहेंगे? ये अभी तो मैंने मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, कल मैं वैसे कल है आपकी क्लास, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे सर, यही टाइम मॉर्निंग टाइम पे। अभी क्या स्कूल चालू हो गए ना सभी के, तो इसलिए अब वही 8:15 टू 9 o'clock तक रहेगा, चलेगा कि नहीं सुबह का? हाँ सर चलेगा चलेगा चलेगा। कृष्णा का तो कोई डाउट नहीं बेटा सुबह का?